ये राजनीति में नेताओं की इतनी बड़ी दोगलाई तगलाई बड़ा विचित्र। पार्टी ने निर्णय लिया कि हम शहीद मुजाहिद की मूर्ति बैठाएंगे और पार्टी की तरफ से 1,00,000 रुपया बेटे के तरफ से उस परिवार को हम लोगों ने मदद किया। जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार जितना देती उससे ज्यादा हम हिंदुस्तान से हम लोग इस परिवार के लिए लाने का काम करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। और ये सवाल लोकसभा के भीतर भी उठेगा। सर आज तेजस्वी भी आने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ जाने वाले हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये पॉलिटिशियन सिर्फ राजनीति करने के लिए ही सिर्फ कही जाता है। इसके पहले यहाँ दंगा हुआ था, तब कहाँ थे? इसी जगह इसी पीरों में 7 बार मैं डीजी से मिला इनके साथ, घर ढुक ढुक के पीटे गए थे कि मुसलमान को उसमें फंसाया गया था। तब कहां थे? तब याद नहीं आई और आज राजनीति करने याद आ जाएगा? मंत्री जी का कल बयान आपने सुना होगा, खनन मंत्री। मैंने तो कहा कि ऐसे मंत्रियों के अभिलंब बर्खास्त करने की जरूरत है, मुकदमे की जरूरत है और जेल में बंद करने की जरूरत। लेकिन इस बिहार के राजाओं को यह औकात और हिम्मत नहीं बची, न राजा को न राजा के बेटे। इसीलिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हर घटना के पीछे इन पॉलिटिशियन का वोट और सत्ता और सियासत हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो। इस देश में अब हिंदू मुसलमान, सुबह उठिए, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड जात पात और आरक्षण की दुकान की शुरुआत करी। मंत्री जी वैलेंटाइन डे मना रहे थे, शहीद की शहादत हो रही थी। मंत्री जी वैलेंटाइन डे, आपको तो यहाँ शहीद हुआ हुआ वैलेंटाइन डे, इस मंत्री वैलेंटाइन डे ही मनाएगा? एक मंत्री गया भगवान का दर्शन करने, वहां वो दूसरा वैलेंटाइन मना रहा था, शराब पी करके लौट के आया। नीतीश कुमार मस्त है। ये मंत्री और नेता माल और गाल के चक्कर में ही रहते हैं इस मुल्क। छोड़ दीजिए इन नेताओं की चर्चा, ये नेता बगैर माल गाल के नहीं रह सकता, उसकी चर्चा ही छोड़ दीजिए। अब इस देश में भ्रष्टाचार, चरित्र और अपराध, ये कोई मुद्दा नहीं।